बात और पता चली है, नदीम भाई की गाड़ी का जो है सस्पेंशन खराब है। हेलो गाइस, अभी हम काम से फ्री हो गए हैं थोड़ा सा, तो हमने टिकट बुक कर दिए थे मिशन इम्पॉसिबल मूवी के, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो सोचा से देख के आएँ, तो चलते हैं अभी। और अभी क्या है, हमारा टिकट जो है 7:30 बजे का है और ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, आधा घंटा है और हमें पहुँचना है 30 मिनट में, देखते हैं पहुँच पाएंगे। गाइस फाइनली हम रास्ते में हैं और पहुँचने वाले हैं। अभी एक नई बात और पता चली है, नदीम भाई की गाड़ी का जो है सस्पेंशन ख़राब है और हमारे पास दूसरी कोई गाड़ी थी नहीं, तो इसी वजह से हमें जो है यही गाड़ी लेके आनी पड़ी, हमारी मजबूरी थी। बाकी देखते हैं गाड़ी ये पहुँचा पाती है नहीं, बाकी गाड़ी की साउंड आपको आ ही रही होगी इसकी। मूवी देखने जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज की। जैसा कि आप जानते हैं भाई बॉडी डबल का यूज़ करते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा तूफानी मूवी बनाते हैं, खुद ही सारे स्टंट्स करते हैं। अभी जो मूवी हम देखने जा रहे हैं इसमें सीन आएगा कि आपने जो है प्लेन पे मतलब लटक ही गए, उड़ते हुए प्लेन उड़ रहा है, आप लटक के जा रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के, ऑसम सीन होगा वो देखेंगे। लेकिन अब हम क्योंकि जा रहे हैं भाई मूवी देखने, तो हमने सोचा यार हम भी थोड़ा सा तूफानी कर लें। हमारा सस्पेंशन बिल्कुल फट चुका है, फट के उसने टीन क्रॉस करके बोनेट के बाहर आ गई है, दिखाऊँगा बाद में। और इस वक्त जो है नदीम भाई हमारे डोमिनिक टोरेटो हो रहे हैं इस वक्त। नदीम भाई हम टॉम क्रूज की मूवी देखने जा रहे हैं, आप डोमिनिक टोरेटो प्लीज ना बोले, हम 10 मिनट लेट भी पहुंच सकते हैं। देखो जी ऐसा है, हमें गाड़ी चलाने का जुनून, अब जुनून जब सवार है तो उसी हिसाब से हम ड्राइव कर रहे हैं, अब हमें डिस्टर्ब मत करो। और देख रहे हैं गड्ढे रास्ते में, ऐसे निकालना है गाड़ी को, और ऊपर से हमारी गाड़ी का सस्पेंसर भी एकदम खराब है। देखो मेरे पास मोहम्मद अली बॉक्सर का फोन आ रहा, मोहम्मद अली बॉक्सर इनके जो है थोड़े से कलीग हैं, कह रहे हैं फेरेंगे इनको। तो फाइनली गाइस जो है रोड हमें जो है थोड़ा सा साफ मिल गया है और नदीम भाई इसको थार बना रहे हैं और अच्छी स्पीड से लेके जा रहे हैं। गाइस अभी जो आगे हमारे एक ब्रिज आ रहा है, कई सालों में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इस पुल बनने से बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो गई है, कांट रोड पर ईजिली निकल जाते हैं। ट्रेन की जो पटरियाँ हैं यहाँ से वो 4 लाइन पटरी हैं, जिस वजह से काफ़ी लंबा ब्रिज बनाना पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत हो गई इस ब्रिज बनने से। फाइनली गाइस हम बे पहुँच चुके हैं, गाड़ी करते हैं हम पार्किंग। गाइस ये देखिए आप टाइम दिख रहा है आपको, 15 मैंने इनको 5 मिनट पहले पहुँचा दिया पूरा। चलो ले लेते हैं एंट्री। लो नदीम भाई तुम्हारी एंट्री ले लेते हैं। तो अभी हम जो है बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए हैं। दूसरी एक बात ये है कि हम नदीम भाई ने और हमने आज बिल्कुल ही सेम कपड़े पहन रखे हैं। ये है कि हमारा कैमरा जो है हमारे हाथों से छीन लिया है, छीन लिया गया है और हम बेहतियार हो गए हैं बिल्कुल। इतना बुरा सीन हुआ है कि मतलब कैमरा अलाउ नहीं होता है, हमें भी मालूम है इस बात की, हमें लगा कि चला जाएगा लेकिन नहीं गया, और ये क्लिप हमारे नदीम भाई के मोबाइल से शूट हो रही है। खैर कोई बात नहीं, दुख है हमें इस बात का बहुत ज़्यादा, तो करते हैं मोबाइल का यूज़ और बनाते हैं भाई ब्लॉग, तो बुरा करना है। आलम भाई को मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए हमारी भी कम सुनना है वो। गाइस टी ब्रेक हो चुका है, आलम भाई नदीम भाई ले रहे हैं कॉफ़ी, नहीं पॉपकॉर्न लिए शायद उन्होंने। हावी हावी नदीम भाई के लिए हम ये कह रहे थे पॉपकॉर्न खा लो भाई साहब। तो मूवी हमारी ख़त्म हो गई है, मूवी हमने ख़त्म कर ली है और हमारा कैमरा जो है मूवी स्टार्ट होने से पहले सिक्योरिटी ने जमा कर लिया था, तो अभी हमें वो वापस लेना है। देखिए मैम बुक कैमरा इसको लेना,
ये हमने अब रिसीव कर लिया है, ये हमें वापस से मिल गया है, अभी हम इसी से रिकॉर्ड करेंगे। तो मिशन इम्पॉसिबल मूवी जो है काफ़ी बढ़िया रही, अच्छी रही। उसमें जो था एक चाबी का सीन था, पूरी चाबी के ऊपर मूवी उन्होंने ख़त्म कर दी और अभी तक लास्ट में ये नहीं दिखाया कि उससे खोलेंगे क्या, सस्पेंस में रहने दिया है उन्होंने। देखते हैं अगला पार्ट आएगा इसका। बाकी मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, एक्शन भी सारे ही ऑलमोस्ट सभी बढ़िया ही थे। तो गाइस अभी हो रही है हमारी घर की वापसी और काफ़ी मज़ा आया हमें मूवी देख के, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। तो हमारी गाड़ी में जो है तेल ख़त्म हो गया है और अभी हम गागन पे हैं। रिक्वेस्ट करिए कि हमारी गाड़ी में तेल डाल दिया जाए। तो कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं अभी हम? टंकी फुल कराना है नदीम भाई, थार की टंकी, थार की टंकी फुल। कितने का आ गया? तो नदीम भाई अपनी थार की टंकी फुल करा रहे हैं। वैसे तो ये ऑल्टो है लेकिन इसे थार ही कहते हैं। तो 2400 का तेल इन्होंने करा लिया है गाड़ी में, अभी पता नहीं कहाँ इसे उड़ा के लेके जाएंगे। एवरेज ये थार से भी नीचे का देती है, लेकिन खैर कोई बात। 14 KMPL। तो ये बहुत ही कम एवरेज देती है, हम कह रहे हैं इनसे कि थार ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है इस बात में। तो गाइस पेटीएम का बहुत बुरा सीन है, हमेशा कैश लेकर चलना चाहिए। और नदीम भाई और हमारे पास किसी के पास भी कैश नहीं है। ये और मैंने अमाउंट करी और ये मैंने जैसे ही क्लिक करा, देखो पेमेंट करना है, नीचे के लिखा रहा है। तो इसलिए कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे इतना ट्रस्ट मत करो, कैश लेके चलो हमेशा। अब देखो हमारे ये महान आदमी ना होते तो हम क्या करते, हम क्या करते। तो भाई कभी भी ऑनलाइन पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें, कहीं बाहर निकलें तो हमेशा कैश अपने पास कैरी करें ज़रूर, क्योंकि बाहर निकलते ही कैश का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमें दिक्कत आ गई कि हमारी ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, बैंक इशू आ गया कोई, खैर कोई नहीं। बस ये था कि अगर कहीं बाहर जाएं तो कैश ज़रूर लेके जाएं, ऑनलाइन पे बिल्कुल डिपेंड ना रहें। ओके अभी निकलते हैं यहाँ से, घर चलते हैं।